नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी और कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान के जेल में एक भारतीय कैदी की मौत के बाद खबर आई है कि पाकिस्तान की सरकार 199 भारतीय मजदूरों को रिहा करने की तैयारी कर रही है। सद्भावना के तहत पाकिस्तान की सरकार इन भारतीय मछुआरों को जेल से रिहा करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए फिर से अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिका के टॉप 150 दानदाताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात में आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए फंड जुटाने की रणनीति पर चर्चा हुई। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एक खदान में आग लगने की घटना सामने आई है। इस घटना में 27 लोगों की मौत हो गई है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा के दौरान आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हल्दी किसानों का अपमान किया। प्रधानमंत्री के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने इस मुद्दे पर भाजपा को ही निशाने पर लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने गत 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। केरल के मल्लपुरम जिले से 25 से अधिक लोगों को ले जा रही एक नाव के पलटने से कम 22 लोगों की डूबने से मौत हो गई। यह हादसा तन्नूर के तुवल तेरम पर्यटन स्थल पर रविवार शाम करीब 7 बजे हुआ। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश में देश का पहला क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित होगा, जहां वायरस रहित सेब समेत अन्य फलदार पौधे तैयार होंगे। इससे बागवानों को अमेरिका और इटली जैसे देशों से महंगे पौधे आयात नहीं करने पड़ेंगे। अटल टनल रोहतांग को निहारने के लिए जहां साल दर साल देश भर से आने वाले सैलानियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं अटल टनल रोहतांग विदेशी मेहमानों की भी पसंदीदा जगह बन गई है। प्रदेश भर की आशा कार्यकर्ताओं को 4700 की बजाय 5200 रुपए वेतन देने को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश की तरफ से जारी अधिसूचना के तहत आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में 500 रुपए की वृद्धि की गई है। इसके अलावा समाचार पत्र पर भी जरूर नजर डालें। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। आज हम आपको एक ऐसी जनजाति के रिवाज के बारे में बताएंगे, जहां के लोग दुल्हन के सिर पर थूक कर आशीर्वाद देते हैं। इस जनजाति का नाम मसाई है, जो केन्या और तंजानिया में पाई जाती है। इस जनजाति में लड़कियों की शादी के बाद जब विदाई होती है तो पिता दुल्हन के सिर और ब्रेस्ट पर थूकता है। बताया जाता है इस अजीबो गरीब तरीके से पिता अपनी बेटी को आशीर्वाद देता है। इस जनजाति में सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा के मुताबिक पिता का अपनी बेटी के प्रति प्यार जताने का तरीका है। पिता के थूकने को बेटी भी आशीर्वाद के तौर पर स्वीकार करती है। इसके अलावा नवजात बच्चों के साथ भी इसी परंपरा का पालन होता है। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।